वो नहीं रखना चाहते मुझे अगर अपने साथ, तो क्या करूं मैं? इसमें मेरी क्या गलती है बताएं मुझे? जबरदस्ती पकड़ के मेरा निकाह तो करा दिया आप लोगों ने, जबरदस्ती रिश्ते निभाने पर मजबूर कैसे करूं मैं उन्हें बताएं? बात सुनो, इधर आओ जरा। ये बताओ कि क्या जरूरत थी साशा के सामने मुंह उठा के आने की है? अब वो जाके ना पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीटेगी कि लई अहमद की बेटी ससुराल से निकल के मैं के आके बैठ गई है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था वो आएगी। अगर आप मुझे बता देती तो मैं बाहर ना आती। रहने दो बिटिया, तुम नन्ही बच्ची नहीं हो कि तुम्हें हर बात समझाई जाए। कुछ बातें खुद के भी समझने की होती हैं, लेकिन तुम्हें किस बात की परवाह? अरे वो और ही बेटियां होती हैं जो बाप की इज्जत पे कुर्बान हो जाती हैं। यहाँ तो छोटी से लेके बड़ी तक सब बाप की इज्जत कुर्बान करने के दर पे पड़ी हैं। सही कहा। बस कर दे दादी, अगर इन्हें अब्बू की इज्जत का ख्याल नहीं होता तो दानिश भाई से शादी करके अपनी जिंदगी दाव पर ना लगाती। आप लोग अब भी इनसे खुश नहीं है? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या करें? जान दे दे अपनी। अरे जान न दे, इस घर से चली जाए, हमारे सर से भला टले। वो नहीं रखना चाहते मुझे अगर अपने साथ, तो क्या करूं मैं? इसमें मेरी क्या गलती है बताएं मुझे? जबरदस्ती पकड़ के मेरा निकाह तो करा दिया आप लोगों ने, जबरदस्ती रिश्ते निभाने पर मजबूर कैसे करूं मैं उन्हें बताएं? बाजी, बाजी, अरे बाजी छोड़े ना। अम्मा, इनकी जबानें तो बहुत लंबी हो गई हैं, काटनी पड़ेंगी। अच्छा बाजी छोड़ो ना, दादी की तो आदत है ऐसी बातें करने की, आप क्यों दिल पे लेती हो? कि बातें तो दिमाग हिलाकर रख देती हैं, दिल तो फिर भी नाजुक चीज है। अच्छा बस कर दो, अब तुम ना शुरू हो जाना। देखती नहीं बाजी पहली कितनी डिस्टर्ब है। मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.